सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का बीडीशर फायर कोचिंग क्लासेस नारनौल पर। आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फायर की रिक्वायरमेंट आई हुई थी, वो लेकर के आए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि तुरंत जो नोटिफिकेशन है आप सभी को सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिक्वायरमेंट है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। इसके अंदर दोस्तों जो आवेदक की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2022 आवेदन यानी कि जो फॉर्म की है वो लास्ट डेट। इसी के साथ में पोस्ट कोड नंबर 1 के ऊपर दिया गया है अग्नि सुरक्षा अधिकारी। टोटल जो पोस्ट होने वाली है 23 पोस्ट इसमें होने वाली हैं और अंतिम सैलरी इसके अंदर होगी 63,840 रुपए, यानी कि स्टार्टिंग आपकी 36,000 रुपए से स्टार्ट होगी और उसके बाद में आपकी जो है सैलरी वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। दूसरी पोस्ट होने वाली है प्रबंधक सुरक्षा की, इसमें टोटल पोस्ट है 80 और इसकी भी अंतिम सैलरी होने वाली है 69,810 रुपए। बहुत ही अच्छी शानदार सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलने वाली है। इसके बाद कैटेगरी के हिसाब से अगर बात कर लें कि पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा सामान्य वर्ग, इन सभी के लिए टोटल कितनी पोस्ट है रिजर्व रखी गई है, तो यहां पे सबसे पहले आता है अग्नि सुरक्षा अधिकारी। टोटल पोस्ट 23, अजा के लिए 3, अजा जजा के लिए 1, अपीव के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अन्ना के लिए कितनी 11। ये जो लिखा गया है अना अजा अपीर अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित वर्ग, ये जो है पोस्ट के हिसाब से आप सभी को जो वैकेंसीज है वो मिलने वाली। अग्नि सुरक्षा अधिकारी की बात कर लें तो सेम वही है, पद संख्या 80, अजा के लिए 12, ए जजा के लिए 6 पोस्ट है, अपीर के लिए 21 यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS के लिए 8 पोस्ट हैं और अनारक्षित के लिए 33 पोस्ट इसके अंदर होने वाले और कुल पोस्ट इसके अंदर होंगी दोस्तों 103 पोस्ट। इसमें अपना जो सुरक्षा अधिकारी है वो और प्रबंधक अधिकारी है, इन दोनों के अंदर 103 पोस्ट इस भर्ती के अंदर मिलने वाली हैं आप सभी। इसके बाद आता अपना जो क्वालिफिकेशन है वो बाकायदा लिखा गया क्वालिफिकेशन यहां पर। सबसे पहले एक नंबर कॉलम पे बात कर लें एज क्राइटेरिया, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है 1/7/2022 को, उसकी एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम वर्ष कितनी 35 वर्ष उसकी जो एज है वो हो सकती है। यहां पे शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो अपनी होने वाली है अग्निशमन सुरक्षा अधिकारी की, यहां पे बाकायदा लिखा गया एक नंबर पॉइंट पे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से बीई, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से बीई या फिर SICTE या फिर UGC द्वारा अनुमोदित कॉलेज या विश्वविद्यालय से फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर इंजीनियर में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री बीटेक बीई या इसके समक्ष होना बहुत ही जरूरी। अगर ये नहीं है तो यहां पे बाकायदा याद दिया गया है SICTE या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी, एवं इसी के साथ में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिविजनल ऑफिसर का कोर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए।
नेक्स्ट चार नंबर पॉइंट पे AICTE और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर UK से स्नातक, ये भी या एवं के अंदर जो है वो आप सभी को दिया गया है। पांच नंबर पॉइंट के ऊपर लिखा गया है AICTE और UGC प्राप्त मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री एवं कुल 60% अंकों के साथ में नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से सब ऑफिसर कोर्स और स्टेशन ऑफिसर का कोर्स होना बहुत ही जरूरी। तो वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इज इलिजिबल होने वाले। और यहां पे आप सभी को जो है क्या दिया गया है, एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया है। यहाँ पे औद्योगिक परिसर में अग्निशमन सुरक्षा प्रभारी के रूप में कम से कम 3 वर्ष का जो समग्र अनुभव है वो होना चाहिए। आपके अंदर स्किल जो क्वालिफिकेशन है, कौशल योग्यता वो भी बाकायदा यहां पे लिखी है कि उम्मीदवार को अग्निशमन सुरक्षा मानदंडों और विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऊंची इमारतों में आग की रोकथाम सुरक्षा प्रणालियों का गहन ज्ञान, अंग्रेजी हिंदी में दक्षता तथा आधारभूत कंप्यूटर का नॉलेज भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है या इंपोर्टेंट है। क्लियर। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, ये अग्निशमन जो सुरक्षा अधिकारी है अपना, उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन आपके लिए होने वाला। और अगले अगर सिलेबस के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ लेंथी एग्जाम पैटर्न नहीं है, बहुत ही शानदार पैटर्न होने वाला है इसके अंदर। ये अपना है जो इनका जो सिलेबस दिया गया है, व्यवसायिक ज्ञान यानी कि हम बोल सकते हैं फायर एंड सेफ्टी का, फायर एंड सेफ्टी। टोटल जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो कितने होंगे मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन इस पोस्ट के लिए कहां पे होंगे आपने इस फायर एंड सेफ्टी टॉपिक से होंगे। बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे, बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे हुए उसके अंदर हमारा जो सिलेबस आने वाला है रीजनिंग, उसके बाद में मैथ, रीजनिंग मैथ जीके और प्लस के अंदर क्या होगा अपना, रीजनिंग हो गया, मैथ जीके और अपना इंग्लिश, इंग्लिश या हिंदी के अंदर एक चीज आपको कंपलसरी करना। तो ये जो है वो 50 नंबर का होने वाला है और 50 नंबर का पोर्शन होगा अपना कौन सा, फायर एंड सेफ्टी यानी कि व्यवसायिक ज्ञान जो अपने ट्रेड है उससे रिलेटेड। बहुत ही शानदार है, ज्यादा कुछ गहरा सिलेबस नहीं होने वाला है, अच्छा सा आराम से हम कवर कर सकते। इसके बाद आता है अपने पास में आयु वर्ग के अंदर जो छूट है वो रिलैक्सेशन, क्योंकि हर एक कैटेगरी को यहां पे एज में भी छूट दी गई है, यानी कि यहां पे फर्स्ट नंबर के ऊपर अजा, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जनजाति से जो कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष के अंदर एज का रिलैक्सेशन दिया है। उसके बाद में अपीव के लिए, अपीव जो कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए एज क्राइटेरिया में 3 वर्ष की छूट दी गई है और बेंचमार्क अक्षमता वाले जो व्यक्ति हैं उनको कितनी, 10 वर्ष की जो छूट है वो दी गई है। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 5 वर्ष की, और वो कोई भी अधिकारी जो फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम कर चुका है तो उसको भी कितने, 5 साल की यहां पे छूट दी गई है। नेक्स्ट आता है 1984 के दंगों में मारे गए लोगों के बच्चे और परिवार का अगर कोई सदस्य है तो उसको भी एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया। बहुत अच्छा, आपको रिलैक्सेशन एज में भी छूट मिलने वाली है और मेरे हिसाब से इस पोस्ट से बेहतर जो पोस्ट है शायद ही कोई हो। ये होने वाला आपका जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने का जो एड्रेस है वो, इस एड्रेस के ऊपर आप
अपना कंप्लीट जो फॉर्म है वो अप्लाई भर करके और इस एड्रेस के ऊपर क्या करना होगा, सेंड करना होगा। तो ये अच्छी सी आप सभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक में रिक्वायरमेंट थी। और भी इसी भी प्रकार की फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो अपडेट आती है वैकेंसी की, तुरंत आप सभी के आते ही लेकर के आए। जय हिंद, तब तक जय भारत।